आलू टमाटर की ये मज़ेदार रेसिपी सिर्फ एक बार बना लें, गारंटी है रोज़ मॉर्निंग में खाएंगे फिर भी मन नहीं भरेगा। ये रेसिपी मेरी भाभी की है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आलू टमाटर के लिए मैंने यहाँ पे आलू बॉईल कर लिया है। आलू 1 केजी के अराउंड होगा, मीन्स 8 पीस है ये आलू। सबसे पहले कढ़ाई में सरसों का तेल डालें, 3 से 4 बड़े चम्मच। हो जाने के बाद थोड़ा सा जीरा, तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च, आधा चम्मच हींग, 3 से 4 कटी हरी मिर्च, थोड़ा अच्छे से भुने। इनका भून लेने के बाद सारे सूखे मसाले डालेंगे। हल्दी 1 चम्मच, जीरा धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च। अब इन सारे मसालों को हल्की आंच पर भूनेंगे ताकि सारे मसाले जल ना जाए। इन्हें भुनने के बाद 5 से 6 बड़े टमाटर काट के डालेंगे। इसमें कड़ी पत्ते भी डालें। स्वाद के अनुसार नमक, टमाटर को अच्छे से पकने देंगे, अच्छे से गलने देंगे। तो थोड़ा देर के लिए धीमी आंच पे छोड़ दें ताकि सारे हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। हमारे टमाटर गले हैं कि नहीं, अच्छे तरह पक जाने के बाद ही इसमें आलू मिलाएंगे। ये अभी हमारे टमाटर गले नहीं अच्छे से, तो इसे मैं फिर से 5 मिनट के लिए कवर कर दे रही हूँ। टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें 7 से 8 बड़े आलू इसमें हल्के हल्के हाथों से तोड़ के डालेंगे। चीनी डालने से हमारे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिनट के लिए ढक देंगे। इसमें उबाल आ चुका है, बॉईल आ चुका है। अब हम इसे हरी धनिया से इसे गार्निश करेंगे और गैस को बंद कर दें। ये हमारी रेडी है आलू टमाटर की रस वाली सब्जी। ये बिना प्याज लहसुन की बनने वाली मज़ेदार सब्जी गारंटी आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे फेस्टिवल में बना सकते हैं और पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।